हेलो दोस्तों, मैं हूँ उत्तम और आप देख रहे हैं यूटीएम जौनपुर रेल फैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जौनपुर को मिलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोरोना महामारी के चलते भारतीय रेलवे ने अपने सभी पैसेंजर सेवाओं को बंद कर दिया था, जिससे लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ में अब धीरे धीरे रेलवे अपनी कुछ सेवाओं को फिर से पटरियों पर लाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय रेलवे अपने कुछ पैसेंजर ट्रेनों को राजधानी के रूप में चलाना शुरू किया, फिर कुछ स्पेशल ट्रेनें आईं और अब फेस्टिवल को देखते हुए फेस्टिवल के नाम पे और भी कुछ ट्रेनें आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह वही ट्रेनें हैं जो कि पहले रेगुलर रूप से चलती थीं, अब उन्हें फेस्टिवल का नाम देके चलाया जा रहा है। ये भी कुछ लिमिट ट्रेनें हैं और लिमिटेड रूट पे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि लोकनायक एक्सप्रेस, जो कि छपरा से चलकर ओल्ड दिल्ली को जाने वाली लोकनायक एक्सप्रेस है, यह भी फेस्टिवल के रूप में चल रही है और जल्द ही कुछ दिनों में सद्भावना एक्सप्रेस भी शुरू होने वाली है, जो कि वाया जौनपुर सिटी होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए ओल्ड दिल्ली को जाएगी। जैसा कि आपको हम बता दें दोस्तों कि छपरा से चलकर सूरत को जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, अब यह जौनपुर होते हुए गाजीपुर के रास्ते बलिया को जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलती है और इस ट्रेन का ठहराव पहले शाहगंज के रास्ते होते हुए, बलिया से रास्ते होते हुए छपरा तक था, अब इसका रूट बदल कर जौनपुर के रास्ते गाजीपुर के होते हुए यह बलिया के रास्ते छपरा को जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों छपरा से चलकर पुरानी दिल्ली को जाने वाली हम सफ़र क्लोन एक्सप्रेस अब हफ्ते में 6 दिन होने वाली है और इस ट्रेन में फर्स्ट एसी और सेकंड एसी को भी जोड़ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप रेलवे की वेबसाइट IRCTC पे जाके आराम से करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।